अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है? हैप्पी फ्राइडे, जुम्मे का दिन है। आज मैं जा रहा हूँ ज़रा रेल फैनिंग के लिए, एक अबैंडन्ड जगह लोई बीर उधर। मैं अभी सोसाइटी से निकल रहा हूँ अपनी घर की। खन्ना पुल मैं पहुंच चुका हूं। फिर मैं यहां से एक और वैन पर बैठूंगा और लोई बीर जो है जगह उधर मैं पहुंचूंगा। ये आप सामने मेन रोड देख रहे हैं, इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे है। सामने जो आप एरिया देख रहे हैं रोड के उस तरफ, ये रावलपिंडी का एरिया है, और जिधर मैं खड़ा हूं इसका, ये इस्लामाबाद का एरिया है। जनाब मैं लोई बीर पहुंच चुका हूं। ये आप डाउन साइड देख रहे हैं, ये आप टावर भी आप देख रहे हैं। ये टावर स्टेशन वाली जगह पे लगा हुआ है, स्टेशन मास्टर और प्लेटफार्म उधर था ज़माने में। और ये मैं जिस के साये में खड़ा हूं, ये कैबिन है, अप साइड की कैबिन। ये आप हालत देख रहे हैं इसकी, बिल्कुल बंजर हो गई है। स्टेशन भी अभी ख़त्म हो चुका है, कुछ भी नहीं है सिवाय वो टावर आप देख रहे हैं जो नज़र आ रहा है आपको। ये डाउन साइड और ये अप साइड है, वो आप देख रहे हैं इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे का पुल है। ये अबैंडन्ड स्टेशन जो है ये मार्कर नंबर 1497 किलोमीटर पर वाक़या है। सामने आप लाइट भी देख रहे हैं। GU20 लीड कर रहा है गाड़ी, अभी देखते हैं आप कौन सी है।39 अब जाफर एक्सप्रेस थी अमेरिकन लोकोमोटिव के साथ। अगर मैं बात करूं 18 से 20 साल पहले की, तो ये बिल्कुल जंगल था, पहाड़ियां थी, जंगली जड़ी बूटियां थी, झाड़ियां थी इधर। तो स्टेशन फाल था, स्टेशन पे काम होता था, क्रॉसिंग के लिए गाड़ियां यहां पे रुका करती थी। तो स्टेशन जब अबैंडन्ड किया गया, इस जगह से ख़त्म किया गया इस स्टेशन को, तो उसके बाद से ही आप डेवलपमेंट देख रहे हैं। आबादी प्लाजे बन गए, घर लोगों ने घर बना लिए इधर, डेवलपमेंट। ये रोड भी देख रहे हैं आप, काफ़ी खुला हो गया। 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस आ चुकी है कराची कैंट जाने के लिए। ये आप जो ब्रिज देख रहे हैं, ये एक्सप्रेस वे का रोड व्हीकल ऊपर से जा रही है और नीचे से गाड़ी। टीएट डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस PH 28321 के साथ। तो
एक्सप्रेसवे को एक्सटेंड कर रहे हैं, खुला कर रहे हैं, इस पुल को भी एक और हिस्सा इस पुल का बना रहे हैं। तो ये आप सामने क्रेन देख रहे हैं मौजूद है, जो ज़ेर ज़मीन पिलर बनाएगी, तो उस पर पुल खड़ा किया जाएगा, पुल को खुला कर रहे हैं। और जिस खास एक्शन के लिए मैं आज इधर लोही वीर के पास आया था, गाड़ी आपके सामने आ चुकी है, 45 अप पाकिस्तान एक्सप्रेस है, जिसे लीड कर रहा है ZCU 20 6401। पहले मैंने ZCU को पाकिस्तान के साथ कैप्चर नहीं किया था, ये आज मेरा पहला कैप्चर है। गाड़ी कमोबेश 20 से 25 मिनट लेट है आज। सिक्स डाउन ग्रीन लाइन यहाँ से पास होगी अभी, विसल आपको आ रहा है, करंग टनल से वो गुजर रही है। जी ये 20 लीड कर रहा है, सामने आप देख रहे हैं सुरंग, कोरंग टनल, और उसकी बैक पे आप ब्रिज देख रहे हैं। अभी एक दो एक्शन वहाँ पे मैं रिकॉर्ड करूँगा। पहुंच चुका हूं जनाब मैं कुरंग टनल, आप देख रहे हैं, और ये ब्रिज है, ये इसके नीचे से एक गंदा नाला है ये, और यही नाला सामने एक्सप्रेसवे के नीचे से भी गुजर रहा है। एक्सप्रेसवे पे जब आप आएंगे तो इस नाले को क्रॉस करेंगे तो पिंडी इस्लामाबाद में आप दाखिल होएंगे। अभी तो काफ़ी वादी होगी है, इस नाले से पार भी वादी होगी, और इधर भी 104 डाउन रेल कार का इंतज़ार हो रहा है, वो अभी यहाँ से गुजरेगी। टाइम हो चुका है 4:45। इस ब्रिज की हिफाजत के लिए ये आप सामने चौकी देख रहे हैं बनी हुई है, और ये मेरे बैक साइड पे भी एक चौकी बनी हुई है, इस पुल की हिफाजत के लिए बनाई गई थी, नकलो हरकत।
जी ये 20 लीड कर रहा है 104 डाउन रेल कार को। बारह डाउन हज़ारा एक्सप्रेस का इंतज़ार हो रहा है, वो अभी यहाँ से गुजरेगी करोंग ब्रिज से और टनल से। टाइम हो चुका है 5:35। हजारा एक्सप्रेस पास फ्रॉम करंग ब्रिज।